हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। महेश शर्मा जी, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी हाथरस कांड के समय भी, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी किसान आंदोलन के समय भी, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी राजा जी के मंत्री टेनी के बेटे मोनू की किसान रौंदक करतूत पर भी, शर्म बेरोजगारी पर भी महसूस होनी चाहिए थी, महंगाई पर भी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा महसूस तो होने लगा है। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। बीजेपी के सांसद जी को अपनी ही बीजेपी सरकार पर शर्म क्यों आने लगी? क्योंकि मामला नोएडा का था। सांसद जी चुनाव नोएडा से लड़ते हैं, नेताजी का अस्पताल भी नोएडा में है, तो फिर सामने आना मजबूरी थी। दोस्तों, भारत में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है ये तो सुना था, लेकिन मजबूरी का नाम शर्मिंदगी भी होता है ये अब पता चला। नेताजी शर्मिंदा हुए क्योंकि शर्मा जी की बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती फिरती है, लेकिन इनका नेता बेटियों को गरियाओ बेटी पर हाथ उठाओ बेटी की माँ बहन तोलते जाओ इस वाले सिद्धांत पर चल रहा था। दो दिन बीत चुके थे, त्यागी बकैत बनकर घूम रहा था। जनता को लगा ये तो हद हो गई भाई, राजा जी का साथी है तो क्या हुआ, सबकी माँ बहन तोलते फिरेगा क्या है। सोशल मीडिया पर लोगों का खून उबाल मारने लगा। उसके बाद सांसद साहब को अपनी बीजेपी सरकार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। और सुनिए, जिस बेटी का मान मर्दन करके बीजेपी का पूर्व हो चुका नेता फरार हो चुका है, उसने अपने कुछ पालतू लोग बेटी को डराने धमकाने के लिए भेज दिए। पीड़ित बेटी का कहना है कि जो गुंडे लोग त्यागी के साथ रहते थे वही महेश शर्मा के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, मतलब पुलिस फर्जी परेशान है, यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है। अब आप फर्ज कीजिए कि अगर ये जो त्यागी है ये बीजेपी का पट्टा ना पहनकर, यानी कि बीजेपी का नेता ना होकर किसी विपक्षी पार्टी का पट्टा पहना होता तो, या फिर किसी विपक्षी पार्टी से संबंधित होता तो क्या तभी उसको पकड़ने में इतनी देर लगाते? कल रात 15 लोग घुसे हैं जिसमें से कुछ गिरफ्तार कर ले गए और उसमें से कुछ बीजेपी के नेता हैं। अच्छा। जी हाँ, महेश शर्मा के साथ उनकी फोटो आप देखिए, ये भूपेंद्र त्यागी हैं, ये तुम्हारे मोदी नगर के हैं। एक और लड़का है, वो लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं, कोई तकरीबन 23 साल का होगा, वो भी महेश शर्मा जी के साथ है फोटो में, आप देखिए ये सब बीजेपी के। जो लोग रात को आए थे वही महेश शर्मा जी के साथ उनकी सांसद की तस्वीरें आप गूगल पे सर्च मारिए, उनकी तस्वीरें उनके साथ खींची हुई हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन सांसद महोदय आए थे वो तो नाराजगी दिखा रहे थे। नाराजगी दिखे, देखो नेता लोग आएंगे अपना काम करके चले जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो तो अपना लेक्चर देंगे, उन्हें तो वोट चाहिए, शहरी वोट सारा उनका है, तो अपनी वोट कैसे खोएंगे वो। ना 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 ना, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी का अब पूर्व हो चुका गालीबाज बीजेपी नेता रफू चक्कर है। गृह विभाग, पुलिस विभाग, सीआईडी, ईडी, आईटी, एलआईयू, आईटी सेल, कोई त्यागी को नहीं खोज पा रहा है। त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है, उसके बाहर के टिन शेड के ऊपर बुलडोजर भी चला दिया गया है, लेकिन त्यागी फिर भी फरार है। इतने सारे बड़े बड़े लोगों को त्यागी अपना रोल मॉडल मानता था, कहीं किसी होटल में या कहीं किसी रिजॉर्ट में बैठकर अपनी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा होगा। नोएडा की पुलिस चौराहों पर खड़े होकर बहुत 3-13 पढ़ाती है, ठेले वालों पर अपना खूब रूल चलाती है, लेकिन त्यागी जैसों की हवा तक नहीं पा पाती है। तो महेश शर्मा जी, बात तो शर्मिंदगी की है ही, त्यागी को पैदा करने वाली माँ भी शर्मिंदा होगी, उसका वीडियो देखकर उसके घर वाले भी शर्मिंदा होंगे, जिस सोसाइटी में वो रहता है वो लोग भी बेचारे बड़े शर्मिंदा होंगे। तो बेशर्मी से जिस पार्टी का पट्टा वो गले में डालकर घूमता था उस पार्टी को भी शर्मिंदा होना चाहिए, जिस सरकार की पावर के दम पर वो रौब दिखाता था उस सरकार को भी शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि बेशर्मी से बोला गया झूठ चल सकता है, लेकिन बेटी के मामले में बेशर्मी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जनता चलने नहीं देगी। इस पूरे मामले में दोस्तों न्याय की लड़ाई जनता ने लड़ी है, सोशल मीडिया ने लड़ी है, कोई महेश शर्मा और किसी सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई श्रेय नहीं जाता। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक बेटी का सरेआम मान मर्दन करके त्यागी अब भी फरार है। तो सच में एक सांसद को ही नहीं पूरी सरकार को शर्म करने की जरूरत है, शर्म के अमृत महोत्सव की घोषणा हो जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।